गुड आफ्टरनून क्लास अ वेरी वाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस एन डी ए फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी जोग्राफी सब्जेक्ट जैसा कि आप सभी जानते हो कि टेंथ अप्रैल को एन डी और सी डी एस के एग्जाम एक साथ होने वाले हैं और एस एस बी क्रैक एग्जाम आपके लिए डेली लाइव क्लासेस सभी सब्जेक्ट्स की लेकर आ रहा है तो आज के इस आपका जो इवनिंग पोर्शन होता है उसमें हम जो है आपका जोग्रफी से लेकर इंग्लिश और मैथमेटिक्स हर चीज़ें कवर करेंगे तो सभी लगातार इस क्लास से जुड़ते चले जाइए और भी अपने जितने भी आपके दोस्त हैं उनको भी जगाइए कि क्लास अब शुरू होने वाली है और आज की इस क्लास में हम जोग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जिनकी पॉसिबिलिटीज़ आपके एग्ज़ाम में आने की सबसे ज़्यादा है तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की और सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हो कि एस क्रैक एग्ज़ाम इज इज़ द e learning portal where we provide the facility of video lectures, daily live classes, study plans, study materials. Also, we conduct weekly and monthly basis mock tests that you can analyze your rank analysis and improve your learning. We give the online offline access of our documents and videos so you can uh, do 24 into 7 hour study without any hamper restriction. Our syllabus is updated and

एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए प्राइस बड़ी ही एफोर्डेबल हैं और आपको एक क्वालिटेटिव एजुकेशन इस आपके ऑनलाइन पोर्टल से प्रोवाइड हम करा रहे हैं ऐसे बच्चे जो अपने एन डी ए सेकेंड ट्वेंटी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं जहाँ पर अगर आप इस वॉरिड टेन कोड का यूज़ करोगे तो आपको टेन परसेंट का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज़ पे मिलेगा तो ये थी हमारे कोर्सेज से रिलेटेड और हमारे फीचर्स जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की और वन बाय वन मैं सभी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा उनके एक्सप्लेनेशन भी सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, कि, में किसी न किसी टाइप से जरूर पूछे जाएंगे यूपीएससी के द्वारा शुरुआत करते हैं आज की क्लास अपने पहले क्वेश्चन से सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइट ईयर लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज

आपने अपने क्लास 11, ट्वेल्थ में भी लाइट ईयर प्रकाश वर्ष पढ़ा होगा वही क्वेश्चन यहां पे भी पूछा जा रहा है लगातार सभी के आंसर्स कमेंट बॉक्स में आने चाहिए चलिए एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट लाइट ईयर इज अ एस्ट्रॉमिकल यूनिट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंसेज ओके वन लाइट ईयर इक्वल टू नाइन पॉइंट फोर सिक्स सेवन इंटू टेन की पावर फिफ्टीन मीटर हुआ करती है और ये आपके आ, वैक्यूम के डिस्टेंस को ठीक है एक साल में जितना आपका लाइट कवर कर सके उतनी दूरी को ये कवर करती है तो वेरी लार्ज डिस्टेंसेज को कवर करने के लिए हम लाइट ईयर जो कि आपका एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है उसका हम सहारा लिया करते हैं तो बेहद आसान से क्वेश्चन है 11 12 में आपने पढ़ा होगा और यही बार-बार क्वेश्चन रिपीट होता है यूपीएससी के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन द कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन एक्सोस्फेयर इज और ये क्वेश्चन आपका एनडी फर्स्ट 2021 में भी आ चुका है हीलियम एंड हाइड्रोजन नियॉन ऑक्सीजन नियॉन हाइड्रोजन हीलियम नियॉन तो जो हमारी एक्सोस्फीयर होती है ठीक है जो हमारी एटमॉस्फेयर सबसे अबव सबसे ऊपर वाली जो आपकी लेयर है एक्सोस्फेयर उसमें आपकी कौन सी गैस का कंपोजिशन रहता है यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है चलिए चलिए आप सभी ने अपने आंसर गिस्ट भी कर लिए हैं और देखते हैं इसका आपका करेक्ट आंसर सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ठीक है हीलियम एंड हाइड्रोजन कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन एक्सोस्फेयर तो देखिए सबसे पहला अच्छा क्वेश्चन तो ये भी पूछता है कि आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए कि कौन सा लेयर पहले आता है तो बेहद आसान है सबसे पहला ट्रोपो स्ट्राइटो मेसो थर्मो एक्सो इसको याद कर लीजिए यहाँ से भी ये क्वेश्चन जरूर बना करते हैं अगर हम एक्सो की बात करें तो इनकी हाइट इक्वल और ग्रेटर देन 400 किलोमीटर हुआ करती है जिसमें आपके ये दोनों गैस की प्रचुरता सबसे ज़्यादा मिलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टूवर्ड द सी अप टू टेन नोटिकल माइल्स ट्वेल्व नोटिकल माइल्स फोर्टीन नोटिकल माइल्स या फिर फिफ्टीन नोटिकल माइल तो देखिए इंटरनेशनली सभी जितने भी देश हैं उनके आपके सी एक्सटेंशन दिए हुए हैं कि कहाँ तक हमारी समुद्री सीमा होगी ना? ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरा इंडियन ओशियन भारत का ही हो या फिर पूरा सी हमारा ही हो तो उसी तरीके से जो आपका टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंशन होती है सी पे मैरिटाइम बाउंड्री पे वो कितनी होती है आपसे पूछा जा रहा है चलिए आप सभी के आंसर्स आ गए हैं एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स और आप सभी जानते हो कि एक नॉटिकल माइल में 1.852 यानी कि हम कह सकते हैं 1.8 किलोमीटर हुआ करते हैं और लगभग आपकी लगभग लगभग मान लें बाईस किलोमीटर आपकी 12 नॉटिकल माइल्स होती है इतना हमारा एक्सटेंशन हुआ करता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशियन करेंट इनमें से ठंडी धारा कौन है ठंडी महासागरी धारा कौन सी है ब्राजीलियन करंट गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट या फिर कैलिफोर्निया करंट और आप सभी लिख के रख लीजिए कि एक क्वेश्चन तो आपका करंट से जरूर बनेगा ठीक है तो सभी क्वेश्चंस मैं कवर कराऊंगा पूरी क्लास में बने रहिए और भी बच्चों को बुलाइए क्लास को लाइक like शेयर भी बच्चों करते जाइए ओके एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ओके तो देखिए कैलिफोर्निया करंट अगर देखें तो एक तरह की आपकी कोल्ड ओशन करंट है बाकी की ब्राजीलियन और गल्फ स्ट्रीम आपकी करंट आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशन ब्लू पिंक वाइट ग्रीन जो ऑपरेशन फ्लड है ना वो किस आपके रिवोल्यूशन किस क्रांति से जुड़ा हुआ है यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया पीयूष गुप्ता थोड़ी उसकी आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए आपकी स्क्रीन क्लियर दिखेगी और पूरा वाइट करके देखिए ठीक है स्क्रीन को चलिए सभी के आंसर बेहद सही है और इसका आपका करेक्ट आंसर है व्हाइट रिवोल्यूशन हिंदी में इसको क्या कहते हैं दुग्ध क्रांति ओके ये किसके द्वारा की गई थी डॉक्टर वर्गिस कुरियन के द्वारा आप जानते हो कि दो हमारे यहाँ रिवोल्यूशन सबसे बड़े हैं सबसे पहला तो ग्रीन रिवोल्यूशन और दूसरा आपका व्हाइट रिवोल्यूशन ग्रीन रिवोल्यूशन आपका क्रॉप से रिलेटेड था अनाज से रिलेटेड 1964-65 में आया और व्हाइट रिवोल्यूशन आपके 70s में लॉन्च हुआ था 1970 में भारत आप जानते हो कि सबसे बड़ा आपका एक तरह से इम्पोर्टर था चाहे अनाज का हो चाहे या आप फिर आपका दूध का हो लेकिन जब हमने ये दो स्टेप लिए मेगा स्टेप्स ठीक है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया और वाइट रेवोल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा जिसमें से भारत सेल्फ सफिशेंट हुआ और सिर्फ हम अब अप अपने जरूरत का दूध या अनाज अब हम उसको प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि उसका एक्सपोर्ट भी करते हैं वी आर ऑल्सो बिकम द एक्सपोर्टर इन दीज टू मेन इंपॉर्टेंट फील्ड ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ शीप इन इंडिया डेकानी नेलोर बीकानेरी नीलगिरी सबसे टॉलेस्ट शीपशिप की आपकी ब्रीड भारत में कौन सी है चलिए लगातार बच्चों बताते जाइए अच्छा आप में से कोई ट्वेल्थ अपेयरिंग वाले बच्चे हैं कि सभी ने अपना ट्वेल्थ पास कर लिया है अगर हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि यस सर वी आर इन अपेयरिंग क्लास ट्वेल्थ और इसका हम आंसर देखते हैं कि भारत में सबसे टॉलेस्ट शिप की ब्रीड कौन सी है तो देखिए नेलोरी ब्रीड है ठीक है आंध्र प्रदेश में आपकी मिलती है नेलो नेलोर तो नाम ही बता रहे हैं आंध्र प्रदेश में सबसे आपकी नेलोर इज द टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ शीप इन इंडिया फाउंड डोमनेंटिन आंध्र प्रदेश दिस सिप ब्रीड इज फाउंड इन दी थ्री डिस्ट्रिक कलर ठीक है डिस्टिनिक कलर पहला आपका व्हाइट में जिसको पाला कहते हैं आपके आंध्र प्रदेश की तरफ व्हाइट विथ ब्लैक स्पॉट जिसको जदोपी कहा जाता है और रेड ब्राउन डोरा कहा जाता है तो यह आपका एनिमल रेयरिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सोटिक ब्रीड ऑफ डेयरी कैटल जर्सी हेलोस्टीन बॉस इंडिकस या फिर ब्राउन स्विसी अरे यहाँ पे तो टेंथ क्लास वाले भी हैं बहुत अच्छे और टेंथ क्लास वाले बच्चों का जोश देखते ही बनता है वेरी गुड वेरी गुड अभी से तैयार करेंगे तो बिल्कुल आप जो है अपने आने वाले एनडीए के एग्जाम के लिए अपने आप को एकदम परफेक्ट बना लोगे आप चलिए सिद्धार्थ भी हैं और इसका देखते हैं कि इनमें से कौन सी एग्जॉटिक ब्रीड डेयरी कैटल नहीं है तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बॉस इंडिकस अब ये होता क्या है एग्जॉट देखिए पहले सबसे पहले हमको समझना होगा कि एग्जॉटिक ब्रीड होती क्या है क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एक्जॉटिक ब्रीड्स आर द ब्रीड ऑफ फॉरेन ओरिजिन दैट आर यूज फॉर क्रॉस ब्रीडिंग ठीक है ये विदेशी नस्ल के ऐसे आपके ब्रीड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल क्रॉस ब्रीडिंग में किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी मजबूत भी होते हैं विद द इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ कैटल बॉस इंडिकस इज एन इंडियन कैटल वेयर एस जर्सी की बात करें इज द डेरी ब्रीड इन द चैनल इन द आईलैंड जर्सी ठीक है हॉलिस्टीन की अगर बात करें ऑप्शन बी जो आपका दिया हुआ है वो आपका डेयरी कैटल ब्रीड है हॉलैंड और जनवरी में पाया जाता है साथ ही साथ जो आपका ब्राउन स्विस है वो आपके नॉर्थ अमेरिका का डेरी कैटल है समझ में आ गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आप देख ही पा रहे हैं इसको बॉस द फर्स्ट क्लोन शिप डॉली वॉज क्रिएटेड थ्रू विच ऑफ दीज टेक्निक्स हाइब्रिड टिश्यू कल्चर विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी या फिर क्लोनिंग द फर्स्ट क्लोन शिप डॉली वॉज क्रिएटेड थ्रू विच विच ऑफ दीज टेक्निक्स अब देखिए बहुत सारी टेक्निक्स आई है ना चलिए लगातार क्वेश्चन पढ़िए और पूरा कंसेंट्रेशन आपकी क्लास में होना चाहिए ओके तभी तो आप क्योंकि एक ऑफिसर की क्वालिटी क्या होती है कंसेंट्रेट होके अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की अगर आप यहाँ पर आए हो तो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ाई पे दो और इसका अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन डी ही इसका आपका करेक्ट आंसर है तो देखिए अब आप कहेंगे सर क्लोनिंग क्या होता है और क्लोनिंग को हिंदी में क्लोनिंग ही कहते हैं ठीक है क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ अ सेल और एन ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग हैपन्स नेचुरली इन प्रो सच एज बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्लोनिंग हैज़ वेरियस एप्लीकेशन इन फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी कि आपका एक आइडेंटिकल कॉपी बना देना इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं क्लोनिंग कहते हैं और सबसे पहला क्लोनिंग से जो आपका शिप बनी थी उसका नाम डॉली रखा गया था द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ क्विंस स्टीप वेल रानी की वाव भारत के किस राज्य में है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रानी की वाव गुजरात हरियाणा राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश लगातार बच्चों कमेंट करते जाइए सभी क्वेश्चंस का चलिए सभी के आंसर में देख रहा हूं और जानना चाहता हूं कि कौन कौन बच्चे सही आंसर दे रहे हैं और जब आप इस क्लास में हो तो अपने नोट्स भी रखे रहिए कॉपी पेन लेकर कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं और अपने यूपीएससी के एनडीए के एग्ज़ाम में आपको निगेटिव मार्किंग से बचना है पहली बात अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो उसको स्किप कर दीजिए ना क्योंकि अगर यहीं से आपकी जो है आ, कोशिश रहेगी तभी आप वहाँ पे बेहतर कर पाएंगे और इसका आपका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन ए रानी की वाव जिसको आप देख पा रहे हो ना एक स्टीप वेल well है गुजरात में है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्ट किया गया है ठीक है और ये किस नदी पर लोकेटेड है सरस्वती नदी पर ठीक है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो देख लीजिए यहाँ पे है आपका आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर टाइप्स ऑफ वॉटर इरोजन गुली रिल शीट या फिर ऑल ऑफ द एबव इनमें से कौन सा आपके ऑप्शन वॉटर इरोजन के टाइप्स हैं चलिए फटाफट बताइए इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द बोथ सभी जितने भी गुली हो रिल हो शीट इरोजन हो सभी आपके वाटर इरोजन का कारण बना करते हैं अच्छी भी बात है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अपने एनडीए सेकंड 2022 की प्रिपरेशन जितने भी बच्चे कर रहे हैं वो अपने रिटन एग्जाम की तैयारी को और भी बूस्ट करने के लिए एक ही बार में सिलेक्शन लेने के लिए आप हमारे ऑनलाइन कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं जहां पर एस एस बी क्रैक एग्ज़ाम की पूरी एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके साथ हर तरीके से लाइव और आ, हर तरीके से सपोर्ट करेंगे चाहे वो डाउट काउंटर हो लाइव हो या फिर आपके नोट्स के जरिए हो आ, प्राइस बड़े ही एफोर्डेबल हैं और एक बेहतर स्टडी करके आप अपने आने वाले रिटर्न एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हो इन कोर्सेज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर करिए और अपनी तैयारी को भी बूस्टअप करिए तो अगला क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी सोर्स और ये एनडीए में आ भी चुका है पिछले ही साल वुड न्यूक्लियर रिएक्टर गोबर गैस कोल तो देखिए यूपीएससी जो आपसे क्वेश्चन पूछता है ना बच्चों आप क्या बनने जा रहे हो एक ऑफिसर बनने जा रहे हो तो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है जो आपके सीधे सीधे आई क्यू से रिलेटेड होते हैं ठीक है और ये क्वेश्चन आप क्लास सिक्स सेवेंथ में आप पढ़ चुके हो तो यहीं पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है बायोमास एनर्जी का फटाफट बताइए एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ठीक है बाकी वुड न्यूक्लियर रिएक्टर ये सब क्या है एनर्जी है कोल नहीं है फोजल फ्यूल है बायोमास एनर्जी इज एनर्जी दैट इज डिराइव फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल एंड विच इज रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी कोल को छोड़ के बाकी सब हैं ठीक है आइलैंड इज मेनली द एक्सपेंशन ऑफ ये भी यूपीएससी ने पिछले साल पूछा है स्टारफिश व्हेल ऑक्टोपस सी हॉर्स कैपल आइलैंड इज कंप्लीटली ब्लीच मेनली ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ ये आपका क्वेश्चन ज्योग्राफी और करेंट अफेयर से रिलेटेड है बच्चों तो बताइए इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा चलिए सभी के आंसर आने लगे हैं और इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई दैट इज स्टारफिश ठीक है जो कैप्पल आइलैंड का ना एक्सपेंशन हो रहा है वो मेनली स्टारफिश के थ्रू हो रहा है ये आपका एक जेनेटिक प्रोसेस है पल आइलैंड इज अ सदन ग्रेट बैरियर रीफ जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया की तरफ है उसके ईस्टर्न साइड ठीक है ईस्ट सदर्न टाइप में है कोरल ब्लीचिंग अकर्स रीफ बिल्डिंग अकड़ी शेड देयर टू रिलीव स्ट्रेस एंड टू इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल और स्टार के द्वारा ये मेनली अकड़ हो रहा था और इसकी पोजीशन जैसे मैंने बताया यहां पर है आपके ओके ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ ग्रेट बैरियर रीफ अगला क्वेश्चन यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉयल बेस्ड ऑन द गि कैरेक्टरिस्टिक्स द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दे आर रीच इन लाइम आयरन मैग्नीशिया एलमुनिया सेकेंड दे आर जनरली क्ले डीप इम्प्रेमरेबल थर्ड दे आर मेनली फाउंड इन महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात तो बताना है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गि अल्टरनेटिव लेटराइट सॉयल रेड एंड येलो सॉइल सलाइन सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल अनिरुद्ध वेरी गुड चलिए और कोई सिर्फ तुक्का नहीं लगाएगा ठीक है क्योंकि आप सभी एक सबसे बड़े एग्जाम में जो अपीयर होने वाले हैं और उस एग्जाम को क्लियर करके आप क्लास ए की ठीक है क्लास ए की आप नौकरी पाओगे तो निगेटिव मार्किंग से बच्चों बचना है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तो चलिए इसका आपका करेक्ट आंसर है ब्लैक सॉइल ठीक है तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक किसकी आपकी आ, ब्लैक सॉइल की है ब्लैक सॉइल को और भी हम किस नाम से जानते हैं आपके रेगुर से ठीक है तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ब्लैक सॉइल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रैप लावा एंड आर स्प्रेड मोस्टली अक्रॉस इंटीरियर गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य प्रदेश ऑन द डेक्कन लावा प्लेटो एंड मालवा प्लेटो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अरेबिका रोबस्टा लिवरी का आर वैराइटीज़ ऑफ और ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी के द्वारा आपके एनडीए सीडीएस, सीएपीएफ सी डी सी ए पी एफ सभी एग्ज़ामों में पूछा गया है कॉफी टी शुगर क्रेन या फिर कॉटन ये तीनों ही किस के वैराइटी हैं कॉफी के टी के सुगर क्रेन के या फिर कॉटन के बताइए फटाफट चलिए सभी के आंसर सही हैं और इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बहुत अच्छे बच्चों ठीक है तो जो आपकी कॉफ़ी होती है मेनली कहाँ पे होती है हमारे साउथ इंडिया में थी कर्नाटक में कर्नाटक सबसे नंबर वन पे आता है ठीक है उसके बाद आपका केरला आता है ये भी आप याद रख लीजिए उसके बाद आपका तमिलनाडु आता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपके कॉफी प्रोडक्शन में लगभग सेवेंटी ये लेता है ट्वेंटी ये लेता है और फाइव शायद ये लेता है ठीक है इसी तरीके से इसका डेटा है और अरेबिका रोबस्टा ये सभी चीजें आपकी जो हैं। किसकी है किसकी एग्जाम्पल हैं किसकी वैराइटीज़ हैं कॉफी के कहवा यू हैव टू मैच द लिस्ट वन विद सेकेंड लिस्ट वन इज रिलेटेड विद द मिनरल एंड द सेकेंड इज रिलेटेड विद द माइन बॉक्साइट कॉपर आयरन और कोल बालाघाट कोरबा सिंगरैनी क्यूनझार बट फटाफट बताइए कौन सी मिनरल्स कहां पर पाए जाते हैं उनकी खाने कहां पर हैं और ये आपका कोड दिया गया हुआ है। लगातार कमेंट करते जाइए बच्चों कि इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा और अच्छे से ध्यान से समय देकर सभी क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए और ये अपने कॉपी में लिखते भी जाइए कि आपके कितने में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं चलिए वेरी गुड अनिरुद्ध ठीक है आप पढ़िए अनिरुद्ध मन लगा के और इसका आप अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर में चलने से पहले सबसे पहले देखते हैं कोरबा माइंस ठीक है बॉक्साइड की मान है माइन से छत्तीसगढ़ में है आपके बालाघाट आयरन ओर और, और इसकी पोजीशन आप देख पा रहे हैं एमपी में है फिर आपका सिंगरैनी कोल माइन है कहाँ पे है आपके तेलंगाना में जो कि अभी आपका नया राज्य बना है और किओन झार आपका कहाँ पे है ये उड़ीसा में है तो इस तरीके से कौन सा आपका आंसर हुआ पहला वाला ठीक है बॉक्साइट कोरबा कॉपर आपकी केवनझार आयरन ओर जो कि आपके कहाँ पे मध्य प्रदेश में है उसका बालाघाट और फिर कोल आपकी सिंगरैनी में ओके okay, क्लियर है सभी को एक बार फिर से मैं आपको ये मैप दिखा देता हूं तो इसको अच्छे से देख लीजिए कोरबा सिर्फ आप इस स्टेट से याद रखिए उड़ीसा अरे सॉरी छत्तीसगढ़ ये ठीक है, है? किवन उड़ीसा सिंगरैनी तेलंगाना बालाघाट एमपी अब आप क्लियर हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑन द फॉलोइंग स्टेट हैज मोर पॉपुलेशन दैन थ्री गुजरात मध्य प्रदेश उड़ीसा राजस्थान लगातार बच्चों कमेंट करते जाइए ना क्लास को लाइक शेयर करते जाइए जोश आपका हाई होना चाहिए और सभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए सही तरीके से और सभी का आंसर भी आप देते रहिए कहीं भी अगर आपको डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो चलिए और इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एमपी ठीक है एमपी की पॉपुलेशन अभी आपकी डेढ़ गुना रफ्तार से तेज से बढ़ी है अभी लगभग आपकी साढ़े आठ करोड़ के ठीक है लगभग इनके जो है पॉपुलेशन है और गुजरात उड़ीसा राजस्थान से तो एमपी की पॉपुलेशन ज्यादा ही है नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन मैक्सिम ऑर्गेनिज्म आर फाउंड नेरिटिक लिटोरल पियालिगिक या फिर नन ऑफ दीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म आर फाउंड चलिए सो लेट्स सी व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज़ नेरेटिक जोन ठीक है नैरेटिक जोन में जो है आपके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं आप, आप कहेंगे ये होता क्या है तो आप सी लेवल देखते हो या फिर आपका जो है जितने भी हमारे रिवर बेड्स होते हैं उसको आप देखा करते हो तो जो आपका सेकेंड लेयर आती है पहला तो आपका पी लेयर होती है सेकेंड आपका नेरेटिक होती है ठीक है यहीं पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं अगला क्वेश्चन सी वाटर कंटेंस विच मिनरल दैट मेक्स द वॉटर सॉल्टी ऐसे कौन से मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे समुद्र या फिर ओशियन के पानी को खारा बना देते हैं सोडियम ब्रोमाइड सोडियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोकार्बन देखिए थोड़ी सी केमिस्ट्री भी इसमें आ गई है ज्योग्राफी में चलिए बच्चों लगातार क्लास में जुड़ते जाइए ना और भी बच्चों को बुलाइए जितने भी आपके फ्रेंड्स अभी सो रहे हैं दोपहर को अब तो शाम हो गई है ना गुड इवनिंग हो गया चलिए और इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड तो आप यहाँ से मैप भी देख पा रहे हो पाई चार्ट आप देख रहे हो ठीक है और अगर मैं बात करूं क्लोराइड की तो सबसे ज्यादा 55 परसेंट सोडियम की बात कर लें थर्टी परसेंट और इसीलिए सोडियम क्लोराइड हुआ अच्छा ये बताइए वॉट इज द केमिकल फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड ना इसको आपके सिंबल में कैसे लिखते हैं कमेंट करके मुझे बताइए फिर मैग्नीशियम सल्फर कैल्सियम और अदर जो है इसमें पाए जाते हैं लेकिन मेनली 55 31 यानी कि आपका 81 वन परसेंट हाँ एट्टी परसेंट जो है आपका यही होता है चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ह्यूमिड ओशनी क्लाइमेट इज फाउंड ऑन विच साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट वेस्टर्न ईस्टर्न नॉर्दर्न सदन बहुत अच्छे बच्चों एनए सीएल ठीक है एनए सीएल एन ए फॉर सोडियम सी एल फॉर क्लोरीन तो सोडियम क्लोराइड बन गया ह्यूमिड ओशनी क्लाइमेट इज फाउंड ऑन विच साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट वेस्टर्न ईस्टर्न नॉर्दर्न सदर्न अनिश विधि भूपेंद्र चलिए वेरी गुड ठीक है तो देखिए अ ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज अ जोन ऑफ क्लाइमेट कैरेटरिस्टिक बाई हॉट एंड ह्यूमिड समर्स एंड कोल्ड टू मिल्ड विंटर्स यह आपके 25 फाइव टू थर्टी फाइव डिग्री लेटिट्यूड पर पाए जाते हैं एडजेसेंट ट्रॉपिक क्लाइमेट होते हैं जहाँ पर आप ग्रीन पोर्शन देख रहे हैं वहाँ पर ह्यूमिड <coughs> ओशनी क्लाइमेट होता है सभी कॉन्टिनेंट में ठीक है वेस्टर्न की तरफ समझ गए और अपने एस इंटरव्यू की तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए आप सभी हमारे इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टी क्लास डे फर्स्ट से लेकर डे फिफ्थ तक जब तक आपके एस इंटरव्यू में जितने भी आपके प्रोसीजर्स होते हैं आपके टेस्ट होते हैं चाहे वो आपका ओ आई आई ओ आई हो साइकोलॉजिकल हो आपका स्क्रीनिंग हो जी हो कॉन्फ्रेंस हो सभी तैयारी हम कराते हैं इन कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है और अपने आने वाले इंटरव्यू में आप रिकमेंडेशन भी ले पाओगे ठीक है तो आपका अगला क्वेश्चन है कि इन विच फॉरेस्ट द सिल्वर फॉक्स इज फाउंड कॉनीफॉरेस्ट कॉनीफेरस ट्रॉपिकल मानसून टेम्परेट डिस मेडिटेरियन फॉरेस्ट किस जंगल में किस फॉरेस्ट में सिल्वर फॉक्स जो है पाई जाती है आपको पसंद है सिल्वर फॉक्स बताइए कि कहाँ पे ये पाई जाती है बच्चों चलिए सूरज यादव बेस्ट ऑफ लक ठीक है फॉर योर अपकमिंग एस एस बी इंटरव्यू चलिए बच्चों फटाफट बताइए या कि चांदी वाली चांदी के कलर की फॉक्स लोमड़ी कहां पर पाई जाती है किस फॉरेस्ट में एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ई कॉनिफेरस फॉरेस्ट ठीक है कॉनिफेरस फॉरेस्ट और फाउंड इन द एरिया हैविंग लो टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर अब यहाँ पर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं कौन कौन से जीव जंतु सिल्वर फॉक्स मिंक ब्लैक एंड ब्राउन बियर्स एनिमल विच लाई विद इन दीज फॉरेस्ट ठीक है ये फॉरेस्ट आपका रशिया वेस्टर्न यूरोप चाइना की तरफ जो है फैला हुआ है यहां पर आपका लो टेम्परेचर ज्यादा होता है अगला क्वेश्चन और ये आप देख लीजिए इनमें और भी जैसे पेड़ पौधे देख लीजिए इनका बायोम देख लीजिए ठीक है ये कुछ हैं जो एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं मैंगो शावर्स अकर अलोंग द कोस्ट ऑफ विच स्टेट पिछले साल यूपीएससी ने बच्चों पूछा ये क्वेश्चन ठीक है बहुत ही आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंगो शावर्स भारत किस के किस राज्य के कोस्टल एरिया पे होता है उड़ीसा महाराष्ट्र केरल या फिर आपका गोवा चलिए और इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मैंगो शावर ठीक है तो ये देख लीजिए मैंगो शावर आपका केरला की तरफ होता है ब्लॉसम शावर आपका केरला तमिलनाडु की तरफ होता है लू आपका नॉर्दर्न इंडिया में ना काल काल बैसाखी आपका इस तरफ वेस्ट बंगाल की तरफ होता है और जो है ये सभी ऐसे रीजन्स होते हैं देखिए मैंगो शावर्स उनको कहा जाता है कि जो प्री मानसून वाला आपका कंडीशन आ जाता है यानी कि मानसून से पहले आपका लगभग अप्रैल मई में जो है बारिश हो जाती है और वो बारिश जो है मैंगो शावर कही जाती है आपके वहां केरल के लिए ठीक है हाउ मेनी क्लाइमेट रीजन आर देयर ऑन द अर्थ एट फाइव नाइन ट्वेल्व हमारे पूरी अर्थ पे कितने क्लाइमेटिक रीजन्स हैं चलिए बताइए फटाफट कि इसका आपका करेक्ट आंसर क्या है हाउ मेनी क्लाइमेटिक रीजन देयर ऑन दी अर्थ And the correct answer is option D. That is there are total ट्वेल्व climatic zones. देखिए उसको हम कुछ मेन categories में हमने बांटा हुआ है जैसे tropical, dry, moderate, continental, polar और उसी में उनकी सब categories भी आ जाती हैं तो आप मोटा मोटा ये याद रखिए कि there are total ट्वेल्व climatic zones, okay? और आप मुझे ये बता दो कि विश्व में ऐसा कौन सा कंट्री है कौन सी ऐसी देश है जहां पर सबसे ज्यादा टाइम जोन्स हैं ना नंबर ऑफ टाइम जोन्स में कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा है नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी इज फाउंड इन टेम्परेट फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉनिफेरस फॉरेस्ट या फिर आर्कटिक फॉरेस्ट लगातार बच्चों कमेंट करते जाइए और सभी क्वेश्चंस का आप आंसर दीजिए जहां कहीं डाउट हो आप पूछ सकते हो मुझसे बच्चों वेरी गुड रशिया ठीक है रशिया में टोटल आपके इलेवन टाइम जोन्स हैं और इसका आपका करेक्ट आंसर है मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी आपकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है इक्वेटर के आपके काफी करीब रहता है और यहीं पे जो है जो टेम्परेचर रहता है सबसे अच्छा रहता है ठीक है सन रेज आपकी डायरेक्ट पड़ती हैं और यहाँ पे डाइवर्सिटी भी बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक और उनकी विविधता देखने को मिलती रहती है नेक्स्ट क्वेश्चन इन डैश फॉरेस्ट ट्रीज शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीज़न मैंग्रोव एवरग्रीन डिसिडुअस थोर्नी इन किस फॉरेस्ट में आपका जो पौधे होते हैं पेड़ होते हैं वो अपनी जो है पत्तियां हटा देते हैं ठीक है शेड हो जाती है उनसे And the correct answer is option C, deciduous forest, ठीक है, आपका लगभग जो है छः से आठ महीने में यहाँ की पत्तियां जो है हट जाती हैं और ये डिसीड्यूस फॉरेस्ट में ही हुआ होता रहता है द वन हु इज इंगेज इन साइंटिफिक ड्रॉइंग ऑफ मैप इज कॉल्ड सबसे सरल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार यूपीएससी ने पूछा भी है जो ऐसा पर्सन जो कि आपके साइंटिफिक ड्राइंग एक्टिविटी में लगा होता है मैप ड्रॉ करने में उसको हम क्या कहते हैं कार्टोग्राफर जियोग्राफर मेट्रोलॉजिस्ट या फिर जियोलॉजिस्ट ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका चलिए इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कार्टोग्राफर ठीक है अगर आप भी मैप बनाओगे तो आपको भी कार्टोग्राफर कहा जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन है आपका बारह फॉल्स आर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया ये फॉल आपका ये प्रपात कहां पर है कर्नाटक आंध्र तेलंगाना या फिर तमिलनाडु चलिए बच्चों लगातार कमेंट करते जाइए सभी बच्चों जुड़ते जाइए क्लास से और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं यहाँ पर जो कि आपके आने वाले टेंथ अप्रैल के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे और अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें सो ऑप्शन ए दैट इज कर्नाटका में जो है आपका ये बाराचोकी फॉल्स लोकेटेड है अगला क्वेश्चन आपका ऑयल रिफाइनरी से रिलेटेड है द भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड ऑपरेट्स विच ऑन द फॉलोइंग रिफाइनरी बोंगोइंग रिफाइनरी बीना रिफाइनरी हल्दिया या फिर नुमाइलगढ़ रिफाइनरी जो आपकी भारत ओमान रिफाइनरी है ना वो भारत के किस ऑयल रिफाइनी क्रो रिफाइनरी को ऑपरेट किया करती है ये आपसे प्रश्न पूछा गया है चलिए और इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ठीक है बीना रिफाइनरी मैप भी देख लीजिए आप कुछ आपके इंपॉर्टेंट रिफाइनरी सुबह भी मैंने आप कवर किया था बोंगान आपकी ना और नुमलीगढ़ ये आप नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है ताती पाका से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछता है पारादीप से आपसे पूछता है और कोयली तो बार बार पूछा जाता है जो कि आपके गुजरात में है तो ये सब कुछ आपकी इम्पॉर्टेंट रिफाइनरीज हैं विच ऑन द फॉलोइंग स्टेट इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रीम सदन टिप ऑफ साउथ अमेरिका पार्शली इन चिली एंड पार्शेलिन अर्जेंटीना डोअर स्ट्रीट बियेगल स्ट्रीट हडसन स्ट्रीट या फिर कारा स्ट्रीट इनमें से कौन सा स्ट्रीट है जो कि आपके एक्सट्रीम सदर्न टिप पे दो देशों के बीच ना चिली और आपके अर्जेंटीना के बीच लोकेटेड है चले तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ठीक है बी आई स्टेट तो आप देख पा रहे हो कि फिर ये यह यहाँ पर चिली अर्जेंटीना के पास लोकेटेड है बाकी का देख लेते हैं स्ट्रेट ऑफ डोवर तो ये आपके फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को ठीक है जोड़ता है फिर अगर हम देखते हैं आपके हडसन स्टेट को तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं ना यहाँ पर आपके लेबरसी बैफिन से हडसन बे है कारा जो कारा है आपका वो एक तरह से रशिया को और नोवाया जैमलिया को जो है जोड़ता है रशिया के नॉर्दर्न पार्ट को और आपके नोवाया जीमलिया को जोड़ता है अपने एन डी ए सेकेंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू की प्रिपरेशन को और भी बेहतर करने के लिए आप सभी एस एस बी क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन कोर्स के साथ जोड़कर अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं इन सभी कोर्सेज़ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है तो एक बेहतर तैयारी के साथ जब आप अपनी प्रिपरेशन करोगे तभी आप सफलता को एक सही टाइम लिमिट में अचीव कर पाओगे ओके तो फटाफट आप जुड़िए अगला क्वेश्चन आपके लिए बच्चों कि विच आर द ग्रासलैंड इज नोन एज एलिफेंट ग्रास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें से किस ग्रास को जो है एलिफेंट ग्रास हाथी घास कहा जाता है टेम्परेट डिसीड्यूस शर्ब्स या फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड फटाफट बताइए बच्चों क्या होगा इसका आंसर और अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ट्रॉपिकल ग्रास ठीक है यहाँ की जो ग्रास लैंड ग्रासेस होती हैं वो लगभग दो से तीन मीटर हाई होती हैं ऊंची होती हैं और इस कारण से इनको एलिफेंट ग्रास भी कहा जाता है अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी ट्रेड विंड एंटी ट्रेड विंड इनमें से कौन सी हैं यानी कि जिनका प्रभाव विपरीत होता है उल्टी दिशा में चलिए आप सभी के आंसर आ गए हैं और इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दैट वेस्टर्ली ठीक है वेस्टर्ली जो आपकी विंड होती है वेस्ट से ईस्ट बहा करती है इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया है वेस्टर्ली इट इज अ टाइप ऑफ एंटी ट्रेड विंड समझ में आ गया आपको चलिए जो कि थर्टी टू ना आपका थर्टी यानी कि तीस से लेकर तीस डिग्री नॉर्थ साउथ में जो है बहा करती है विच आर द फॉलोइंग सी पोर्ट gained सिग्निफिकेंस फॉर हैंडलिंग आयरन और एक्सपोर्ट टू जापान ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है और आपका ये पोर्ट से क्वेश्चन रिलेटेड है कांडला एनोर, कोची मारबू गांव कौन सा इसमें आंसर सही होगा हमारे देश का कौन सा पोर्ट जो है आयरन ओर की एक्सपोर्ट जो है जापान को किया करता है गोपाल गुप्ता डिस्क्रिप्शन में एस एस बी क्रैक का नंबर भी दिया गया है ठीक है कॉलिंग नंबर आप उस पर कॉल कर लो तो आप सबको सभी जितने भी इंफॉर्मेशन है कोर्स रिलेटेड आपको मिल जाएगी और इसका अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो मारमू गांव ठीक है कहाँ पे है आपके बताइए जुआरी स्टैचुरी जो कि गोवा पे है ठीक है 1961 में बना था और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इसने जो है आपकी एक्सपोर्टिंग की थी आयरन ओर की जापान को और वैसे तो भारत में बहुत सारे आपके मेजर पोर्ट्स हैं बट इफ यू लुक टू दी मेजर पोर्ट देन देर आर टोटल ट्वेल्व मेजर पोर्ट्स इन इंडिया सबसे बड़ा अगर हम देख लें मुंबई पोर्ट है ठीक है मुंबई में आपके जवाहरलाल जे एन पी टी पोर्ट भी है गुजरात में भी आपके पोर्ट हैं ठीक है थीके? जिसका नाम आपका क्या थी? है कांडला पोर्ट जिसको हम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी कहते हैं फिर रत्नागिरी पोर्ट मारमूगांव जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं गोवा में है आपकी मैंगलोर पोर्ट आपका कर्नाटक में है इन्नोर पोर्ट तमिलनाडु में काकिनडा पोर्ट तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं जो कि भारत में हैं और वाइजेक पोर्ट जो कि आपका विशाखापटनम आंध्र प्रदेश में है तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं मिल्पा एंड लदांग आर डिफरेंट नेम्स फॉर शिफ्टिंग कल्टिवेशन मिक्स फार्मिंग ट्रक फार्मिंग प्लांटेशन एग्रीकल्चर मिल्पा और लदांग इनमें से किसके नाम हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन मिक्स फार्मिंग ट्रक फार्मिंग प्लांटेशन एग्रीकल्चर चलिए बच्चों सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान दीजिए ठीक है क्योंकि इसी से आपका भला होगा और अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी ये इसको झूम खेती कहा जाता है क्या होती है इस खेती में जब हमने एक बार फसल उगाई उग गई वो फिर हम उसको जला देते हैं ठीक है फिर लगाते हैं तो इसको आपकी शिफ्टिंग कल्टिवेशन कहते हैं आसाम में इसको झूम कहते हैं आपके केरल में इसको ओणम कहते हैं ओणम पर्व भी मनाया जाता है पोदु आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में द सेम इज नोन एज बेवार इन द मध्य प्रदेश तो झूम खेती जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं भारत के इन, इन इन इलाकों में जो है अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन रेन शैडो इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ साइक्लॉनिक रेनफॉल ओरोग्राफिक रेनफॉल कन्वेंशनल रेनफॉल या फिर फ्रंटनल रेनफॉल और बच्चों देख लीजिए कि इसी टाइप के इसी लेवल के क्वेश्चन जो है आपके टेंथ अप्रैल को एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो ध्यान से सभी चीज़ों को पढ़िए नोट्स बनाते जाइए और अपना आंसर भी देखते रहिए कि मेरी तैयारी कितनी है क्योंकि दिन आपके आठ नौ दिन बचे हुए हैं एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ओरोग्राफिक रेनफॉल ठीक है रैन शोडो इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद द ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन ओरोग्राफिक या फिर आपका रेन प्रोड्यूस व्हेन मॉइस्ट एयर इज लिफ्टेड एज इट मूव्स ओवर माउंटेन रेंज अब मैं आपको फिगर के जरिए बता देना चाहता हूँ देखिए जो कन्वेंशनल होती है देखिए इवापरेशन हुआ ठीक है प्रीवेलिंग गई और यहीं पे उसकी बारिश हो गई लेकिन माउंटेन के कारण यहाँ पर इस इलाके में आपकी बारिश नहीं हो पाए और ये आपका डेजर्ट वाला इलाका हो जाता है तो इसी को आपका क्या कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल रेन शेडो कहा जाता है द करंट प्रोड्यूस बाई अबेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ चिली एंड द पेरू इज नोन एज एलिनो हम्बोल्ड करेंट अगुलहास करेंट या फिर कैनरी करेंट चलिए सभी के आंसर आने लगे हैं एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हम्बोल्ड ठीक है तो हम्बोल्ड को आप देख पा रहे हो ये साउथ अमेरिका की तरह साउथ अमेरिका के, के वेस्टर्न साइड पर ये आती है ये ऐसी करंट है जो कि आपकी अपवेलिंग कोल्ड वाटर जो है प्रोड्यूस किया करती है चिली और पेरू की तरफ में ठीक है ये आपका चिली है पेरू है यहीं पे एंडीज माउंटेन रेंज भी है जो कि दुनिया के सबसे लंबी ऊंचाई पर जो है पर्वतमाला बनाता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग विच ऑफ दिस स्टेटमेंट रिलेटिंग टू एंटी साइक्लोन इज करेक्ट एंटी साइक्लोन इज अ विंड सिस्टम विद अ हाई प्रेशर सेंटर इन एंटी साइक्लोन द मूवमेंट ऑफ विंड इज इनवर्ड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एंटीसाइक्लॉन टू वर्ड डिटरमाइनिंग वेदर ऑफ एन एरिया इज क्वाइट सिग्निफिकेंट द मूवमेंट ऑफ विंड इज क्लॉक वाइज इन एन एंटी साइक्लोन ऑफ सदर्न हेमस्फेयर तो आपको बताना है कि एंटी साइक्लोन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए देखिए एंटी साइक्लोन इज विंड सिस्टम विच इज़ अ हाई प्रेशर सेंटर ठीक है जहाँ पे हाई प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे आपका एंटी साइक्लॉन की घटना हमको देखने को मिलती है अगला क्वेश्चन आपका मैच लिस्ट वन लिस्ट सेकेंड से रिलेटेड है पहली लिस्ट आपकी इंस्टीट्यूट और दूसरी उसके लोकेशन से रिलेटेड है फटाफट आप इस कोड का यूज करके बताइए कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा पेट्रोकेमिकल्स एलुमोनियम इलेक्ट्रॉनिक्स हैवी इंजीनियरिंग रांची हैदराबाद वड़ोदरा वर, या फिर कोरापुत बच्चों लगातार कमेंट करते रहिए ठीक है ठीके? और एक बार फिर से पूरी जोश के साथ जो है जैसे आपने सुबह किया था इस पूरे कमेंट बॉक्स को जय हिंद और फायर इमोजीज और हमारे नेशनल फ्लैग के साथ पूरा भर दीजिए जिससे कि लगे हा एनडीए स्प्रेंट तैयारी कर रहे हैं और इस बार जो है गर्ल्स को भी काफ़ी अच्छा मौका मिला हुआ है कि वो भी जो है एन डी को ज्वाइन करें तो एन डी के लिए एक बार लगातार आप सभी फायर मोडीज़ के जरिए नेशनल फ्लैग के जरिए इस कमेंट बॉक्स को भरिए और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप करते रहिए एंड द राइट आंसर इज देखिए सबसे पहले मैप के जरिए हम देख लेते हैं उसके बाद राइट आंसर देखते हैं इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ पर आपके वडोदरा वडोदरा पे आपका गुजरात में है तो पहला दूसरा एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हैदराबाद में है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी कोरापुत में है जिसकी लोकेशन देख पा रहे हैं और हैवी इंजीनियरिंग कोऑपरेशन आपकी रांची में अवस्थित है तो इस प्रकार से जो आपका करेक्ट आंसर हुआ वो आपका ऑप्शन ए हुआ ठीक है पेट्रोकेमिकल्स वडोदरा एलमोनियम बच्चों आपका कोरापुर इलेक्ट्रॉनिक आपका कहां पे है हैदराबाद और हैवी इंजीनियरिंग आपका रांची में आ जाता है चलिए तो आपका हाई भी लग रहा है होना भी चाहिए और इसी तरह जो है पूरे उत्साह के साथ आप पूरी क्लास में बने रहिए चंबल रिवर इज अ पार्ट ऑफ साबरमती बेसिन गंगा बेसिन नर्मदा बेसिन या फिर गोदावरी बेसिन चंबल रिवर इनमें से किसकी पार्ट है आपको बताना है फटाफट बताइए बच्चों चंबल रिवर इज अ पार्ट ऑफ विच बेसिन इन इंडिया चलिए सभी के आंसर्स आ गए हैं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी गंगा बेसिन ठीक है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो चंबल ठीक है ये आपके गंगा बेसिन का पार्ट है तो यहां पे देख रहे हो कानपुर इलाहाबाद वाराणसी पटना ठीक है फिर आपके बे ऑफ बंगाल गंगा सागर की तरफ ये चली जाती है द हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ बैक टू द एटमोसफियर इज कॉल्ड टेरिस्टेरियल रेडिएशन सोलर रेडिएशन एयर प्रेशर नन ऑफ these ये भी क्वेश्चन आपके एनडी एग्जाम में पूछा जा चुका है आपको बताना है कि द हीट रेडिएटेड बाई अर्थ बैक टू द एटमोस्फियर देखिए मान लीजिए ये अर्थ है और एटमॉस्फेयर ने जो यहां पर हीट दी ठीक है अब इसी हीट को जो है जब अर्थ बैक कर देती है तो उसको हम क्या कहते हैं लगातार बच्चों कमेंट करते रहिए और मेरे बाद अभी इंग्लिश की क्लास आपकी होगी उसके बाद मैथमेटिक्स की क्लास होगी तो लगातार पूरी एस एस क्रैक की टीम जो है आपके लिए मेहनत कर रही कि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करें और इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ठीक है टेरिस्टेरियल रेडिएशन इसको कहते हैं और इसी के कारण जो है कहते हैं ना कि भाई रात क्यों ठंड रहती है रात में ठंड क्यों रहती है क्योंकि जितना भी पूरे दिन भर हमारी अर्थ जो है आपका रेडिएशन uh, एब्सॉर्व करती है रात को उसको क्या करती है आपका रेडिएट करने लगती है बाउंस बैक करने लगती है उसी को टेरिस्टोरियल रेडिएशन कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑन द फॉलोइंग प्लान डू नॉट हैव है मार्स वीनस मार्स दो नेपट्ट्यून ठीक है मार्स वीनस नेपट्टून इनमें से किस प्लानट की सेटेलाइट नहीं है चलिए फटाफट बच्चों कमेंट करते जाइए कि इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा एंड इफ वी सी द करेक्ट आंसर देन वी फाइंड दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट दैट इज वीनस बोथ मरकरी एंड वीनस हैव नो सेटेलाइट ठीक है ऑफ देयर ओन वीनस हैज ग्रेट ग्रेविटेशनल पुल बट स्टिल डज नॉट हैव मून वीनस इज द सेकेंड planet फ्रॉम द सन आपको भी पता है अर्थ हैज़ वन लार्ज नेचुरल सेटेलाइट जिसको हम मून के नाम से जानते हैं मार्स हैज़ टू टाइनी नेचुरल सेटेलाइट फोबोस एंड डाइमोस तो ये आपके कुछ एक्सप्लेनेशन है इनको भी आप जानते रहिए कि आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके तो आप इसका आंसर दे सकें अगला क्वेश्चन वेच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विटोरियल क्रॉप कोकोनट रबर ऑयल पाम या फिर बनाना इनमें से कौन सी आपकी इक्विटोरियल क्रॉप नहीं है चलिए इसका हम करेक्ट आंसर देखते हैं तो पाते हैं कि बनाना आपकी इक्विटोरियल क्रॉप आपकी नहीं है ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं इक्विटोरियल रीजन क्या होता है वहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स आपकी उगाई जाती हैं रबर कोकोनट ड्यूरेन शुगर क्रेन टी कॉफी टीक नट्स चिचोना मैंगोस वेट राइस कसावा स्पाइसेस एसेट्रा आर दी क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन द इक्विटोरियल रीजन तो इसको आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए क्रॉप दैट आर ग्रो इन इन द रीजन विद द हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल ठीक है यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है रेनफॉल अच्छा रहता है इसीलिए जो है ये सभी क्रॉप्स आपकी होती हैं ज़्यादा आपका अगर हम भारत की बात करें तो सदर्न इंडिया में सबसे ज्यादा इनकी खेती होती है बनाना इज नॉट ए इक्विटोरियल क्रॉप द मेजर एग्जाम्पल ऑफ इक्विटोरियल क्रॉप्स और आपने देखे लिया विच ऑन द फॉलोइंग कैनाल्स इज एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द डेवलप कंट्रीज एंड द डेवलपिंग कंट्रीज पनामा कैनाल स्वेच कैनाल कील कैनाल ग्रांड कैनाल फटाफट बताइए बच्चों पूरा ध्यान आप सभी के पढ़ने में रहे ठीक है और सभी क्वेश्चंस के आप आंसर भी देते रहो बस पांच मिनट के बाद अब आपकी मैम आएंगी जो आपको इंग्लिश की क्लास बताएंगी तो जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं लगातार हम कवर कर रहे हैं और अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें तो हम पाते हैं कि आपके स्वेच कैनाल ठीक है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अफ्रीका और एशिया के बीच जो है ये जो है स्वेच कैनाल है जो कि दो आपके कॉन्टिनेंट्स के बीच में आ जाती हैं इंपॉर्टेंट लिंक जो है स्थापित करती हैं पनामा कैनाल देख लीजिए आप साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट कर रही है तो इसी प्रकार से कील कैनाल जो है देख लीजिए आपकी ये यूरोप में है नेक्स्ट क्वेश्चन ंग दॉलोइंग पब्लिस्ड जियोग्राफिक हाइपेगैसिस और गाइड टू जियोग्राफी इन सेकेंड सेंचुरी एडी पेटोलमी स्टार्बो हेरोडोटस एरिस्टोटल चलिए फटाफट बताइए बच्चों हु एमंग द फॉलोइंग पब्लिस्ड जियोग्राफिक हैपेिससिस या फिर गाइड टू जियोग्राफी इन देंचुरी ए डी एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए है पेट्रोलमी ठीक है ये जो आपके पेट्रोलमी थे पेट्रोलमी मेड अ नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द जियोग्राफी हिजबुक जियोग्राफिक हैपेगिसिस गाइड टू जियोग्राफी पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं से पूछा जा सकता है कंपाइल्ड एंड समाइज मच ऑफ द ग्रीक एंड रोमन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एक्यूमलेटेड एट द टाइम जियोग्राफिका वॉज रिटन बाई द स्टारबो ठीक है स्टारबो ने क्या लिखी लिखी थी आपकी जियोग्राफिका लिखी थी ग्राफिया नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच आर द फॉलोइंग ह्यूमन जियोग्राफी अप्रोचेज बिलीव दैट फिजिकल जियोग्राफी डिटरमाइन ह्यूमन बिहेवियर एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ सोसाइटीज पॉसिबिलिज्म इन्वायरमेंटल डिटर्मिज्म न्यू डिटर्मिज्म या फिर स्टॉप एंड गो डिटर्मिज्म क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए उसके बाद अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन जियोग्राफी अप्रोचेस बिलीव दैट फिजिकल जियोग्राफीज डिटरमाइन ह्यूमन बिहेवियर एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोसाइटीज तो सबसे अच्छा स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को आपका क्या कहा जाता है आपको बताना है यह आपका है इन्वायरमेंटल डिटर्मिज्म देखिए अगर आपको ह्यूमन बिहेवियर देखना है तो सबसे पहले उस ह्यूमन की लोकेशन देखनी पड़ेगी कि वो रहता कहाँ पे है आप अफ्रीका में रह के टाई नहीं लगा सकते हैं ओके टाई कौन लगाएगा जो यूरोप में रहेगा क्योंकि उसको टॉन्सिल होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है वहां की ऐसी आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन है भारत में जो है सभी लोग जो है सूट बूट में नहीं चल सकते हैं ठीक है क्योंकि यहां का ऐसा टेम्परेचर है इसीलिए ह्यूमन बिहेवियर किस पे आपका डिपेंड होता है फिजिकल जियोग्राफी पे नेक्स्ट क्वेश्चन द साइड रियल मंथ मे बी डिफाइंड एस द पीरियड इन विच द मून कंप्लीट्स कम्प्लीट्स एंड ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड रिटर्न टू द सेम पोजिशन इन द स्काई द पीरियड इन विच द मून कंप्लीट एंड ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द मून या फिर नन ऑफ दीस अनश जियो ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं ठीक है बच्चे जोग्राफी आपकी बड़ी वास्ट है कहीं से भी यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है द साइड रियल मंथ मे बी डिफाइंड एज इसको डिफाइन कैसे करते हैं बताइए लगातार चलिए एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए द पीरियड इन विच द मून कंप्लीट एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड रिटर्न टू द सेम पोजिशन इन द स्काई ठीक है अर्थ का चक्कर लगा के अपने ऑर्बिट में फिर से जहां पे लौट आता है उसी को साइड रियल मंथ कहा जाता है रिफर किया जाता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट Planet इन द सोलर सिस्टम Jupiter Mercury Uranus Venus इनमें से कौन सा सबसे ब्राइटेस्ट Planet है हमारे सोलर सिस्टम का आपको यहां पर बताना है काफी आसान सा क्वेश्चन है आपका सोलर सिस्टम से रिलेटेड है फटाफट बच्चों कमेंट करिए And the correct answer is option D. Venus. Being closer to the Earth, Venus appears to be the brightest. It is the hottest planet in the solar system due to the presence of excessive carbon dioxide in, the, in its atmosphere. It is also known as Earth's twin, morning star, evening star. And ask question. One astronomical is the distance between which two celestial bodies, Earth and Sun, Earth and Moon, जूपिटर एंड सन प्लूटो एंड सन वन एस्ट्रॉमिकल इज द डिस्टेंस बिटवीन विच टू सेलेस्टियल बॉडीज तो इसका आपका करेक्ट आंसर है अर्थ एंड सन ठीक है अब बच्चों अब यहां तक आपकी थी ज्योग्राफी, अब इसके बाद इंग्लिश की आपकी क्लास शुरू होने वाली है